हमारा हाल तुम भी पूछते हो, हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हमारा हाल तुम भी पूछते हो। जश्न लखनऊ टीम के तमाम अराकीन, बिलखसूस रियान सिद्दीकी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका दिया है। एक मतला और शेर समाप्त फरमाए, पहले एक मतला देखिए जी सर, कि वो इतनी मीठी बातें कर गया है, वो इतनी मीठी बातें कर गया है कि बिस्तर चींटियों से भर गया है। वाह वाह, वो इतनी मीठी बातें कर गया है कि बिस्तर चींटियों से भर गया है, कि बिस्तर चींटियों से भर गया है। और एक मतलब और देखिए कि पहले लगता था तुम ही दुनिया हो, पहले लगता था तुम ही दुनिया हो, अब ये लगता है तुम भी दुनिया हो। पहले लगता था तुम ही दुनिया हो, अभी ये लगता है तुम भी दुनिया हो। एक मतला और शेर देखिए कि ख़त लिफाफे में गैर का निकला, ख़त लिफाफे में गैर का निकला उसका कासिद भी बेवफा निकला। ख़त लिफाफे में गैर का निकला उसका कासिद भी बेवफा निकला। शेर देखिए कि जान में जान आ गई यारो, जान में जान आ गई यारो, वो किसी और से खफा निकला। शुक्रिया। कि जान में जान आ गई यारो, वो किसी और से खफा निकला। और ये शेर देखिए कि तू अगर साथ हो तो रस्ते में, तू अगर साथ हो तो रस्ते में और कोई नज़र नहीं आता, तू अगर साथ हो तो रस्ते में और कोई नज़र नहीं आता। और एक शेर ये देखिए कि सादगी भी अजीब पर्दा है, मैं किसी को नज़र नहीं आता। क्या अच्छा शेर है, अजीब पर्दा है मुकर्रर, मैं किसी को नज़र नहीं आता। एक मतलब और एक शेर, इसके बाद दो छोटी छोटी गज़लें हैं कि इसलिए जा रहा हूँ कोने में, आंखें शामिल नहीं हैं रोने में। वाह 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 वाह, इसलिए जा रहा क्या हूं अच्छा कोने मतलब है भैमी साहब, वाह वाह, आंखें शामिल नहीं हैं रोने में, मैंने उसको बचा लिया वरना डूब जाता मुझे डुबोने में। मैंने उसको बचा लिया वरना डूब जाता मुझे डुबोने में। एक गज़ल के पांच छह शेर और देखिए कि किसको आए नज़र हमारा घर। रियान भाई शेर देखिए, किसको आए नज़र हमारा घर हो बराबर में जब तुम्हारा घर। और तुम तो आए नहीं दोबारा घर, दस्त में आ गया हमारा घर, बरसों पहले की एक दस्तक से कर रहा है अभी गुजारा घर। वाह वाह, बरसों पहले की एक दस्तक से कर रहा है अभी गुजारा घर। और शेर देखिए कि एक मेहमान आने वाला है,
एक मेहमान आने वाला है, आज दिल्ली पे है सारा घर। एक मेहमान आने वाला है, आज दिल्ली पे है सारा घर, और वो कभी ठोकरें नहीं खाता, वो कभी ठोकरें नहीं खाता, दे रहा हो जिसे सहारा घर। वो कभी ठोकरें नहीं खाता, दे रहा हो जिसे सहारा घर। जी जी हाँ, ये है तो पुरानी, लेकिन पढ़ देता हूँ कि ज़रा मोहताज होना चाहिए था, ज़रा मोहताज होना चाहिए था, बगैर अश्कों के रोना चाहिए था। क्या बात है। ज़रा मोहताज होना चाहिए था, बगैर अश्कों के रोना चाहिए था। और शेर देखिए कि अब उसको याद करके रो रहे हैं, अब उसको याद करके रो रहे हैं, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए, अब उसको याद करके रो रहे हैं, बहुत उम्दा, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था। और ये शेर देखिए कि मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है, मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है, उसे नाराज़ होना चाहिए था। मेरी वादा खिलाफी पर बहुत उम्दा वो चुप है, उसे नाराज़ होना चाहिए था। और एक शेर देखिए कि सुई धागा मोहब्बत ने दिया था, सुई धागा मोहब्बत ने दिया था, तो कुछ सीना पिरोना चाहिए था। सुई धागा मोहब्बत ने दिया था, तो कुछ सीना पिरोना चाहिए था। और इसका ये शेर देखिए कि हमारा हाल तुम भी पूछते हो, हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। एक मतलब शेर देख लीजिए, मुझे याद आ गया। अमूमन हम बहुत कम बोलते हैं, अमूमन हम बहुत कम बोलते हैं, अमूमन हम बहुत कम बोलते हैं, अगर बोलें तो बस हम बोलते हैं। वाह वाह। अमूमन हम बहुत कम बोलते हैं, हम बहुत कम बोलते हैं, अगर बोलें तो बस हम बोलते हैं। और एक शेर इसमें देखिए कि मैं उनके ज़ख्म भरना चाहता हूँ, मैं उनके ज़ख्म भरना चाहता हूँ कि जो मरहम को मलहम बोलते हैं। अरे क्या कहना है भाई, वाह वाह। मैं उनके जिंदाबाद भाई साहब, वाह वाह, क्या अच्छा शेर है, वाह वाह, कमाल। मैं उनके ज़ख्म भरना चाहता हूँ कि जो मरहम को मलहम बोलते हैं। वाह वाह, कमाल है भाई। क्या तरकीब, क्या कहने फहमी साहब, वाह वाह। फरहत भाई ने हुक्म दिया है गजल के लिए कि हम तेरे गम के पास बैठे थे, हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे। हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे, दोस्तों ने हंसा दिया आकर, दोस्तों ने हंसा दिया आकर अच्छे खासे उदास बैठे थे, दोस्तों ने हंसा दिया आकर अच्छे खासे उदास बैठे थे। और ये शेर देखिए कि बस वही इम्तहान में पास हुए, बस वही इम्तहान में पास हुए, बस वही इम्तहान में पास हुए जो तेरे आसपास बैठे थे, बस वही इम्तहान में पास हुए, वाह वाह,
जो तेरे आसपास बैठे थे, और यहाँ पर अधिकारी लोग भी हैं, एक शेर सुनिए तेज आंधी चली तो राज खुला, तेज आंधी चली तो राज खुला, तेज आंधी चली तो राज खुला, कुर्सियों पर लिबास बैठे थे, तेज आंधी चली तो राज खुला, कुर्सियों पर लिबास बैठे थे, कुर्सियों पर लिबास बैठे थे, वाह वाह। और आखिरी शेर कि राज भी जब तुम्हारा फोन आया, राज भी जब तुम्हारा फोन आया, तुम हमारे ही पास बैठे थे, रात भी जब तुम्हारा फोन आया, तुम हमारे ही पास बैठे थे। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, वाह वाह।